नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर इससे पहले अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने न्यूज 18 से बातचीत की। पहले अध्यक्ष बनाए गए वो, सीएम की घोषणा पर ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया। यह आयोग पूरी तरह से संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस 27% ओबीसी आरक्षण पर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए बनी योजनाओं और रामजी महाजन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन होगा। 51% से ज्यादा आबादी वाले वर्ग को योजनाओं का किस तरीके से लाभ दिया जाए, इनका शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्तर कैसे सुधारा जाए, इस पर सरकार का फोकस है। कल्याण के लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया है और इसके चेयरमैन के रूप में गौरी शंकर बिसेन, जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनको नियुक्त किया गया है। बिसेन हमारे साथ मौजूद है। सर, एक तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष आपको बनाया गया है। क्या आपकी प्राथमिकता होंगी और क्या आपने रोडमैप तैयार कर लिया है कि किस तरीके से कल्याण को लेकर योजनाएं बनानी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बी डी शर्मा जी को, हमारे संगठन महामंत्री जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना महत्वपूर्ण दायित्व, एक जवाबदारी का काम मुझे दिया है। एक कार्यकर्ता के जिम्मे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के पद पर एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं प्रयास करूंगा कि अभी तो हमारा माननीय, हमारे जो पूरे आयोग के मेंबरों का और अन्य पदों का सृजन हो जाए, इसके बाद में बैठ करके हम उसकी कार्य योजना बनाएंगे और पुराने जो रिपोर्टें हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। क्या आपको लगता है कि क्या कल्याण की योजनाएं बनना चाहिए ओबीसी वर्ग को लेकर, जो आपकी प्राथमिकता? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सम्माननीय स्वर्गीय रामजी महाजन जी की अध्यक्षता में 1980 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था और मुझे जहां तक स्मरण है 1983 में रिपोर्ट सबमिट हुई। इसके बाद में मंडल कमीशन आया, अनन्य आयोग आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इस वर्ग के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश के बारे में विचार करें तो लगभग 51-52% पॉपुलेशन पिछड़े वर्ग का है और इस वर्ग के लिए मुझे लगता है आर्थिक रूप से भी हमको विचार करने की आवश्यकता है, शैक्षणिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है, सामाजिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। और चूंकि पॉपुलेशन का 50% से ऊपर इस वर्ग के लोग हैं, तो उनके हितार्थ, उनके कल्याण के लिए बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है आज इसमें क्या किया जाएगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सारी अध्ययन हम करेंगे, प्रदेश में लोगों से मिलेंगे और हमारा जो आयोग रूबरू होगा उसके बाद में अपनी रिपोर्ट शासन के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये 6 विषयों को छोड़कर बाकी सब में 27% आरक्षण देने का कल सरकार ने आदेश जारी कर दिया, इस पर भी मॉनिटरिंग निगरानी होगी आपकी? देखिए, जो भर्तियां न्यायालयीन प्रक्रिया में हैं या जिनके ऊपर न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी सब में 27% आरक्षण देने की सरकार ने आदेश जारी किया। इससे साफ इस बात की मनसा सरकार की, यानी कि इसका लाभ मिले लोगों को, इस पर तो नजर होगी आयोग की, इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार के सामने नजर आती है। हम चाहते हैं कि देश, प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण का लाभ मिले और आयोग के जो कार्य दायरे में जो जो काम आएगा उसको करेंगे। इधर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग कमलनाथ सरकार में गठित किया जा चुका है। सीएम रहते कमलनाथ ने जेपी धनोपिया को अध्यक्ष भी बनाया था। ऐसे में एक अध्यक्ष के रहते दूसरा अध्यक्ष नियुक्त करना असंवैधानिक है। कांग्रेस सरकार इसके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट का केस करेगी। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश सरकार की अक्ल पर तरस आ रहा है। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के दौरान श्री जेपी धनोपिया को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया था। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार चली गई और शिवराज जी ने बदले की भावना से उन्हें अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। उस निर्णय के खिलाफ वे हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, लिहाजा स्टे के अनुसार जेपी धनोपिया जी हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, संघर्षशील लीडर हैं, उन्होंने निर्णय का पालन किया,
सरकार ने उस निर्णय की अवमानना की है। दिस इज कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। जेपी धनोपिया जी आज भी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायपालिका के निर्देशानुसार। और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस को इसकी तारीफ करनी चाहिए ना कि राजनीति, हमने अपने वादे को निभाया है। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ जब थे तब उन्होंने झुंझुना पकड़ाया था, एक तरफ घोषणा की थी और पीछे के दरवाजे से जाकर रोक लगा दी थी। व्यवस्थाओं को उनको मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से हमने उनके कल्याण का भी आयोग का गठन किया है। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन जी को इसकी कमान सौंपी गई है। उनका अनुभव निश्चित रूप से इस वर्ग के कल्याण के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सौंपा है उसमें बहुत ही सार्थक और सफलतापूर्वक फायदा देगा। तो ये तमाम तरह के बयान हैं, ये एक फैसला लिया गया, फैसले के बाद अब तरह तरह के बयान आ रहे हैं। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, उपचुनाव से ठीक पहले पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, मतलब आयोग बनाम आयोग, ये वैसे भी स्थिति अदालत में, ये मामला पिछली बार अदालत में था, अब आगे क्या? देखिए ललित, यदि सियासी नजरिए से देखा जाए तो अब एक कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया है और एक बीजेपी का पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया है। दरअसल जो कांग्रेस सरकार के समय पिछड़ा वर्ग आयोग में का गठन हुआ था और नियुक्ति हुई थी तब जेपी धनोपिया को अध्यक्ष बनाया गया था और इसके अलावा दो सदस्य उस पिछड़ा वर्ग आयोग में रखे गए थे। लेकिन ये पूरा मामला जब विवादित हुआ तो मामला कोर्ट तक पहुंचा और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने स्टे दे दिया, यानी कि कार्यकारी प्रभार के तौर पर जो जेपी धनोपिया हैं वो फिलहाल स्टे लगे होने के कारण उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन पूरा मामला सियासी विवादों के कारण आने के बाद जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो दफ्तर है श्यामला हिल्स पर, वहाँ पर ताला लगा हुआ है, यानी कि वहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन होगा और उसमें अध्यक्ष की भी नियुक्ति सरकार ने कर दी है। गौरीशंकर बिसेन को उसका अध्यक्ष बनाया गया है और गौरीशंकर बिसेन उनके आयोग को संवैधानिक बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसको, इस फैसले को या असंवैधानिक करार दे रही है। यानी कि अब दो तरह के आयोग मध्य प्रदेश में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नए जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें गठन की प्रक्रिया किस तरह की होगी, कितने सदस्य बनाए जाएंगे, क्या नियम प्रक्रिया होंगी, यह भी आने वाले समय में तय होगा। लेकिन फिलहाल दो तरह के आयोग के गठन को लेकर प्रदेश की राजनीति जरूर शुरू हो गई है। एक तरफ जहां 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर श्रेय मची हुई है, वहीं अब पिछड़ा वर्ग आयोग दो अलग अलग आयोग हो जाने को लेकर भी विवाद के हालात हो गए और इसी को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत अद्भुत एक लाइन जो अनुराग ने बोली कि एक कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग आयोग है, एक बीजेपी का पिछड़ा वर्ग आयोग है, इन सबके बीच अगर कोई नहीं है तो वो है पिछड़ा वर्ग का कल्याण। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। अब खबर जबलपुर से, गोवंश के पालन और संरक्षण के लिए अब सरकार जनता से चंदा लेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने विज्ञापन जारी कर जनता से खुलकर दान करने की अपील की है। साथ ही दानदाताओं को लुभाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। दानदाताओं को दान राशि में आयकर की छूट दी जाएगी, उनका नाम भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष ने मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए। उनका मानना है कि इससे लोगों के प्रति गाय के प्रति नजरिया है वो बदलेगा। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा था कि गाय भारत की संस्कृति है, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इसमें मैं आपको यहाँ पर रोककर एक अतिरिक्त जानकारी दूं कि जब भी ये कुछ किया जाएगा, राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय प्राणी, तो क्या गोवा में भी ऐसा माना जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल, कोर्ट ने यह भी कहा था कि गौ रक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी का यह बयान सामने आया है।
भारत सरकार से मांग करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाना चाहिए। जब गाय को हम राष्ट्रीय प्राणी घोषित करेंगे तो देखने का दृष्टिकोण भी बदलेगा और हमारे शास्त्रों में गावो विश्वस्य मात्रा ये जो कहा गया है वो हम सिद्ध कर सकेंगे कि गाय विश्व के प्राणी मात्र की माता है और इस दृष्टि से स्वतंत्र रूप से गाय के संबंध में कार्य करने की कार्य योजना भी बनेगी। और एक अच्छी बात अभी याद दिलाई गई मेरे सहयोगी की तरफ से कि हम सिर्फ गोवा को क्यों देखें, हमें तो नॉर्थ ईस्ट भी देखना होगा जहां पर ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी गाय को लेकर विचार होना चाहिए। इधर बुरहानपुर में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक भी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे उन्होंने लगाए थे, हमने थोड़ी लगाए। सांप्रदायिक सौहार्द की बात कहां से आ गई? उनके नेता ने कहा कि काजी साहब जिंदाबाद कहां है, पाकिस्तान जिंदाबाद, उनके कान बजे थे। हमने तो नहीं कहा है ऐसा। हिंदू मुस्लिम का क्या मतलब है इसमें? ये दो देश की बात है, ये राष्ट्रद्रोह की बात है। ये समय हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? दो देशों का मामला है, देश में तो आप लोग भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अहम जिम्मेदारी दी है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए जो कमेटी गठित की है, दिग्विजय सिंह उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बनी इस 9 सदस्यीय कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, उत्तम कुमार रेड्डी, मनीष चतुर्थ, बीके हरिप्रसाद, रिपुन बोरा, उदित राज, डॉक्टर रागिनी नायक और जुबैर खान सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। और दिग्विजय सिंह को जब यह जिम्मेदारी मिली तो मंत्री सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह की छवि सियासत में नकारात्मक राजनीति करने की है, ऐसे में उनसे सकारात्मक काम की अपेक्षा रखना गलत है। व्यक्ति की कोई कमेटी बनाई जाती और उसकी कमान दिग्विजय सिंह जी को दी जाती तो हमें अच्छा लगता। अब यही बात है कि व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही उसको काम दिया जाता है, तो दिग्विजय सिंह जी तो नकारात्मकता के माध्यम से ही राजनीति करते हैं, तो उन्हें अब नकारात्मक राजनीति की जाए जो कि कांग्रेस की परी पार्टी है उसकी कमान सौंपी गई है। पर मेरा मानना है, एक कहावत है, जहां जहां पड़े पैर संतन के ताता बंटा ढार, तो बंटा ढार मिस्टर बंटा ढार को जो कमान दी जाएगी उसका वो बंटा ढार ही करे। और बाढ़ आपदा पर मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। सरकार ने केंद्र से 2.43 हजार करोड़ की मांग की है। ये राशि शिवपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, विदिशा और अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए मांगी गई है। राजस्व विभाग ने केंद्र को नुकसान का ब्यौरा भेजा है, साथ ही राज्य आपदा राहत कोष के लिए 728 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त देने की भी मांग की है। आज इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को संबोधित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि इस समिट में बोलना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत आत्मनिर्भर के लक्ष्य को हासिल करेगा। क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है, ये भी उन्होंने कहा, और कहा कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में रखना जरूरी है, इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से जाना होगा। टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप of a historic announcement by our most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, on August 15th. In his address to the nation on the 75th Independence Day, he launched the Green Hydrogen Mission for India. The fact that he chose Azadi Ka Amrit Mahotsav to make this announcement has sent a powerful message to both Indians and the rest of the world. In my view, the message is twofold. One, India is determined to achieve Azadi from dependence on fossil energy and become Atmanirbhar in new and renewable energy. Two, India will make its fullest contribution to global effort for achieving the goals and target of climate action. Dear friends, climate change is undoubtedly the most daunting challenge
facing human civilization today. The world is witnessing with alarming frequency the disastrous effects of global warming. Green hydrogen will surely attract significant investments. Dear friends, Reliance Industries is fully committed to realizing the vision of our Honorable Prime Minister to fuel India's green economy using clean energy. Last year, I had announced our ambitious commitment to make Reliance a net carbon zero company by 2035. This year, I presented a strategy and roadmap for our new energy business, which will be the next big value creation engine for Reliance and India. के बाद आपका स्वागत है। सूबे की सरकार आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए तमाम कोशिश कर रही है, कई योजनाएं चला रही हैं जिनके जरिए योजनाओं का फायदा आदिवासियों तक पहुंचना है। उनका रवैया अगर ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा आदिवासियों का विकास? सवाल क्यों खड़ा हुआ? तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं, इन्हें देखकर सवाल पैदा होता है। सिंगरौली के बैढ़न जिला मुख्यालय में नगर निगम के में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक कर्मचारी के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह रखा गया, इसमें आदिवासी कलाकारों को बुलाया गया। ये वो कलाकार थे जो सदियों पुराने लोक नृत्य गुदुम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सिंगरौली के आदिवासी इलाकों में गुदुम नृत्य काफी प्रसिद्ध है, अनोखा है, लेकिन इस कार्यक्रम में इस लोक कला और कलाकारों का मजाक उड़ाया गया। कमर पर वाद्य यंत्र बांधे कलाकारों के सामने जमीन पर पैसे फेंके गए और कलाकारों ने जमीन पर पड़े पैसे मुंह से उठाए। जिले के साहित्यकार इन तस्वीरों को देखकर दुखी हैं। एक प्राचीन लोक कला और कलाकारों का अपमान इसे बताया जा रहा है। कलेक्टर से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। खबर नरसिंहपुर से, जहां मूंग खरीदी पर भ्रष्टाचार का साया साफ नजर आ रहा है। सर्वेयर द्वारा पैसे मांगना और समिति प्रबंधक के पैसे मांगने का वीडियो वायरल हो जाना इसकी वानगी है। अब लोकायुक्त की रेड में पूरा मामला उजागर हो गया। जिले के गोटेगांव के लाठगांव मूंग खरीदी केंद्र के राम निवारी के सरकारी वेयर हाउस पर गुरुवार को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पीड़ित किसान ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि उसकी मूंग खरीदी में प्रति क्विंटल 300 रुपए की घूस मांगी जा रही है। इसके बाद यह कार्रवाई हुई है। भोपाल में सीएम शिवराज ने उमा भारती से मुलाकात की। उमा भारती के बंगले पर दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम ने उमा भारती के साथ पौधरोपण भी किया। ओबीसी आरक्षण की सियासत के बीच ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री से मिली हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पौधरोपण भी उन्होंने किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी सियासत के बीच ये तस्वीरें बहुत दूर तक जाएंगी। इंदौर में एमपी की पहली महिला बस ड्राइवर रितु नरवाले ने सवारियों को लेकर निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक पिंक बस का संचालन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही हैं। बस में सवार महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सुरक्षा मिलती है इस बस में और उनके लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक महिला ड्राइवर है, कंडक्टर भी एक महिला है और हम महिलाएं बहुत सुरक्षित तरीके से अपना सफर तय करती है। तो देखिए, महिलाएं भी काफी सुरक्षित सफर महसूस कर रही है, सुविधाजनक सफर है। रितु खुद मेरे साथ जी, बताइए आपने कितनी मेहनत की बस चलाने के लिए? काफी मेहनत करी सर, रात में उठ के ट्रेनिंग ली है जी, 3 से 5 के बीच में काफी संघर्ष करा, पानी भी गिर रहा था फिर भी हम लोग आए ट्रेनिंग के लिए। किस तरह की कठिनाई हो रही है बस चलाने में? कोई कठिनाई नहीं है सर, अच्छा है, आराम से, सभी लोगों का सपोर्ट भी है। आप महिलाओं को कैसा महसूस हो रहा है? महिलाओं को तो अच्छा ही है लग रहा है। तो सर, महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस फील्ड में और भी आए लड़कियां तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जी, ताकि वो सेफ फील हो, महिला जो सफर करती है उन्हें भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। देखिए रितु महिलाओं को संदेश भी दे रही है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बस को वो चला रही है और इस बस को राजीव गांधी चौराहे तक ले जाएंगी। आज से ये बस चल रही है, बस में महिला ड्राइवर है, हालांकि बस तो काफी दिनों से चल रही महिलाओं के लिए, लेकिन महिला ड्राइवर पहली बार इस बस को चलाकर ले जा रही है।